नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत अधिक महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। जैसे कि आप लोगों ने ये सवाल जो है ना कई बार मुझसे पूछा है और मैं कई ऐसे वीडियोज में सेपरेट नहीं बनाई थी, लेकिन कई ऐसे वीडियोज में मैं बता चुकी हूँ। और देखिए, समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी होता है और ना समझने वाले के लिए हर चीज़ आप चाहे कि खुल के बताएं तो वो भी सही नहीं है। थोड़ा सा आप लोग ना इशारों की बातों को भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर बात कोई जरूरी नहीं है कि एकदम खुलेआम बताया जाए तभी आपको समझ में आएगा। तो ये वीडियो है ना कि क्या हम जैसे मासिक धर्म में कौन कौन से कार्य हम कर सकते हैं। हम मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि आप जो है कैसे भोजन बनाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें दीदी हम छू सकते हैं, कौन सी चीज़ें नहीं छू सकते, पूजा बच्चों से कैसे करवा सकते हैं, घर में कोई करने वाला नहीं है तो पति के साथ रह कर क्या हम प्रतिदिन बाल धो सकते हैं, नहीं धो सकते। कई बार मैं बता चुकी हूँ कि इसका दोष लगेगा नहीं लगेगा, मतलब हजार प्रकार के आप लोगों के क्वेश्चन थे। तो आज सोची कि वीडियो ही बनाना बहुत अधिक जरूरी है, तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। ध्यान से एक एक बातें पहले समझ लीजिएगा। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक महत्वपूर्ण बातें आज दिल में बैठा लीजिएगा और दिमाग में। सबसे पहली बात है कि देखिए, जमाना जो है मॉडर्न होते जा रहा है, आधुनिक होते जा रहा है, ठीक है होने दीजिए, लेकिन जो हमारे घर कल्चर है, जो हमारे देश में अभी भी माना जाता है, कई ऐसे लोग मानते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग इसको सब अंधविश्वास समझते हैं, कुछ भी नहीं मानते। तो देखिए, मॉडर्न भी इतना ही होना है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होनी है, थोड़ा बहुत ही होनी है, लेकिन अपने रीति रिवाज, अपने संस्कृति को पीछे नहीं छोड़नी है। मॉडर्न उतना ही होइए कि मतलब जितना कि मतलब एक लिमिट के अंदर आए, इतना ना हो जाए कि हम तो कुछ मानते ही नहीं है, हम तो ये सब बेकार की बातें हैं, तो अंधविश्वास, तो ऐसा सब मॉडर्न नहीं होनी है। देखिए, पहले का ज़माना था ना, क्या होता था कि आजकल क्यों रिश्ता बन रहा है, रिश्ता तुरंत ख़राब हो जा रहा है। पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ आप लोग को समझा देना चाहती हूँ कि आज ही शादी हो रही है, कल तलाक होने लग रहा है, कल मतलब एक दूसरे से मन मुटाव हो जा रहा है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं रहता, क्योंकि शादी से पहले इतना अधिक लोग क्लोज हो जा रहे हैं कि हर अपना अंदर की मतलब जो बोलते हैं ना अपने अंदर मतलब भविष्य की बातें, अपने पास्ट की बातें, सब कुछ फ्यूचर पास्ट सब पहले ही पता एक दूसरे को चल जाता है, चलनी चाहिए, लेकिन इतना भी अधिक ना कर दें कि मतलब शादी होने के कुछ दिन बाद ही सब खत्म हो जाए, प्यार मोहब्बत खत्म। पहले ज़माने में शादियाँ कैसे होती थी, पहले ज़माने में व्रत रखते थे, माँ बाप भी कन्यादान भूखते थे, व्रत रखते थे, और जो लड़का लड़की है, वर और जो वधू है, जिनकी शादी होने वाली थी, वो लोग पूरे दिन निर्जला हम लोग व्रत रखते थे, और दोपहर में या शाम को जब हमारे घर कुंवरत का भात बनता है, जो दही चीनी और चावल, आप लोग सोचेंगे दीदी ये क्यों समझा रही है, बता रही हूँ जो रीति रिवाज है, आजकल का रीति रिवाज कैसे होते जा रहा है मॉडर्न युग का, वो भी बता रही हूँ और सारी बातें बताऊँगी, ध्यान रखिएगा। और ये सच है कि नहीं आप लोग ध्यान दीजिएगा, व्रत रख के हम लोग वही दही चावल दोपहर शाम को ही खिलाया जाता था नहाने से पहले, और वही खिलाकर और फिर हम लोग शादी होती थी, और शादी होने के बाद हम लोग को हमारे विवाह में कौन कौन से 56 भोग बने हम लोग को चखने के लिए भी नहीं मिलता था, शादी होने के बाद मिलता था। अभी क्या है कि शादी होने वाली है, कोई कुछ नहीं मानता, लड़कियां खाए जा रही हैं, पिए जा रही हैं, नॉनवेज खा रही हैं, सब लोग तो नहीं करता, और कितनी देवी देवताओं की हम पहले पूजा करते हैं, उसके बाद एक लड़की एक लड़का की शादी किया जाता है, जिससे इनका रिश्ता जो है आगे कायम रहे, एक दूसरे के साथ खुश रहें, और ससुराल में जाने के बाद हजार प्रकार की परेशानियां ना आए, पति के ऊपर ना आए, क्यों कि ये सब चीज़ें पहले बहुत ही सुंदर तरीके से हर कार्य किया जाता था, लेकिन अभी तो कोई नहीं मानता, अभी तो नॉनवेज खा के कन्यादान के लिए लड़कियां बैठ जाती हैं, अब दिन भर खाती हैं, शाम को शादी होने लगती है, तो ऐसी सब गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, व्रत रख के शादी किया जाता है, और उस दिन जो वर और वधू है ना और सीता और राम के रूप में हो जाते हैं। तो अगर बातों को ध्यान से समझिएगा तो आप अपने संस्कृति को कभी पीछे नहीं छोड़िएगा। चलिए अब पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहले एक और चीज़ बता दूं
दीदी हम पति के साथ रहने के बाद क्या प्रतिदिन, आज खुल के बता दे रही हूँ, इतने दिन से तुम्हें मतलब इनडायरेक्ट बता रही थी कि आप लोग समझ जाइएगा, लेकिन आप लोग नहीं समझ रही थी। तो पति के साथ रहने के बाद क्या प्रतिदिन बाल धोना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, कोई दोष नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ना आप मतलब नियम कानून लेके चलने लगी कि घर का घर बर्बाद हो जाए, फैमिली परिवार में झगड़े लग जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाल धोने का लेके आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि बाल धोकर ही पूजा करनी है, कोई दोष नहीं लगता। प्रतिदिन डेली बाल धोने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, निश्चिंत हो जाइएगा। कई वीडियोज में ऐसे मैं बता चुकी हूँ, फिर भी मेरी बहनों के एक ही कमेंट्स आते हैं, और वीडियो को ध्यान से नहीं सुनिएगा तो फिर आप लोग बार बार पूछिएगा, अब मुझे भी रिप्लाई देना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। तो ये हो गया कि आप आराम से पूजा कर सकती हैं, आप बिल्कुल अशुद्ध नहीं मानी जाती हैं, ठीक है। ये भी एक पति पत्नी के बीच का प्यार है, तो इसको आप लोग टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत बनाइए, और पति से झगड़ा लड़ाई वगैरह ना करें। अगली चीज़ क्या है कि मासिक धर्म में घर के रूटीन नियम धर्म कैसे करें, गाय को रोटी दे नहीं दे। पहले जमाने में तो बहुत कुछ बचाया जाता था, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी जैसे ना लोग सिंगल फैमिली रहते हैं तो कौन भोजन बना के देगा, बहुत सारे पति लोग हैं उनको बनाने आता है तो वो बना लेते हैं, लेकिन हर आदमी को देखिए भोजन पकाने नहीं आता, बच्चों को स्कूल जाना रहता है, हस्बैंड को अपने काम पे जाना रहता है, तो कैसे काम चलेगा, हमारे घर का धर्म कर्म कैसे चलेगा, तो हमें तो करना पड़ता है। तो आप लोग पूछते हैं दीदी आप कैसे करती हैं, तो देखिए आप लोग कह रहे हैं कि पूजा रूम में जाएं कि ना जाएं झाड़ू पोछा करने, बिल्कुल नहीं जानी है। पूजा रूम अगर आपका सेपरेट है तो उसमें जाइए ही मत, गंदा ही रहने दीजिए। बच्चे पति रहते नहीं है, बच्चे दूर रहते हैं, बच्चे हैं तो उनसे पूजा कैसे करवाएं, क्या हम भगवान का बर्तन धो के उनको दे दें, क्या उनसे ये कार्य करवा दें, बिल्कुल नहीं। आपको तो छूनी ही नहीं है, टच नहीं करनी है। आप बच्चों से केवल घंटी भी बजवा दीजिएगा ना, छोटे बच्चे हैं, इधर उधर दिया जलाएंगे, कहीं आग लगा देंगे, आग पकड़ा देंगे, तो छोड़ दीजिए ना, केवल घंटी भी बजा देंगे ना बच्चे तो भगवान उनका स्वीकार कर लेते हैं। कई बार मैं बता चुकी हूँ, फिर भी आप लोग बहुत अधिक दुविधा में रहते हैं, प्रेशर में रहती हैं। ये हो गया, आप जब शुद्ध हो जाइएगा सातवें दिन से पूजा करते हैं, कई लोग आठवें दिन से भी करते हैं, कई लोग छठे दिन से भी करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जब ठीक हो जाइएगा, बाल वगैरह धो लीजिएगा, तो आप लोग पूजा कीजिएगा ना, भगवान जी आपसे कहीं नाराज नहीं होंगे। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज क्या है कि आप लोग पूछे दीदी गाय के लिए रोटी क्या ऐसी अवस्था में बना सकते हैं, तो देखिए नियम तो है अपने से बड़े बुजुर्गों को और अपने पति को भोजन कभी नहीं देनी चाहिए, नियम तो यही कहता है, क्योंकि पति की भी जैसे आयु लोग बोलता है कि घटती है, उनसे मतलब टच में रहिए, संपर्क में रहिए, या मतलब यहाँ तक कि पति को पहले जमाने में लोग छूते भी नहीं थे, नहीं तो वो कहते हैं बड़े बुजुर्ग की उनकी आयु घटती है, कई प्रकार की बीमारियों के पति लोग शिकार हो जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। तो पहले तो लोग ऐसे कहते थे भोजन भी नहीं, मतलब रसोई घर में जाना अलाउ ही नहीं था, कोई भोजन निकाल के दे देता था, हम लोग खा लेते थे, ठीक है। लेकिन अभी जब से सेपरेट रहने लगे, अकेले रहने लगे, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि हर चीज़ जैसे पति कर लेंगे, बच्चे कर लेंगे और हम लोग एक जगह बैठे रहें, हो नहीं सकता है। तो इसके लिए भी मैं उपाय बता रही हूँ कि देखिए क्या करनी है। तो आप क्या कीजिएगा कि कोशिश करें, ऐसे आप लोग कहते हैं दीदी छोटे बच्चे हैं, ठंडी है, इस प्रकार है, वैसे है, तो हम स्नान नहीं कर पाते हैं, देर होने लगती है, कोई बात नहीं, ऐसे अगर आप नहीं करते हैं ठीक है, कभी कभार चल जाता है, कभी कभार देर होता है तो आदमी छोड़ देता है, सिर्फ कपड़ा ही बदल लीजिए, वो भी हो जाएगा। लेकिन मासिक धर्म में बिना नहाए पति को या मतलब किसी अन्य को भी आपको भोजन नहीं देनी चाहिए, ना रसोई घर में प्रवेश करनी चाहिए। आप स्नान करके ही जो करना है कीजिए, साफ सफाई थोड़ा बहुत कर लीजिए। ऐसे तो नियम है कि चकला बेलन भी नहीं छूते हैं, नमक नहीं छुआ जाता है, जहाँ पे आप मतलब इकट्ठा नमक एक जगह हम 1 kg का रखते हैं ना, और थोड़ा सा रखते हैं डेली यूज के लिए, तो डेली यूज वाले आप छू सकते हैं। स्नान करके जो भी कीजिएगा मासिक धर्म में, स्नान करके कीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, सही में पति की आयु घटती है, ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और बाकी सब चीजें तो आपके हाथ में है, बचाना नहीं बचाना ध्यान रखिएगा, और भगवान को तो कहीं से स्पर्श ना करे, भले ही पूजा ना हो, कोई करने वाला नहीं है, तब करने वाला है तो करवाइए। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि उस जो जहां आप नमक इकट्ठा रखें उसको टच ना करें। वो सभी चीजें हमारे घर में आगे तक भी रखी जाती है, अचार की बरनी वगैरह नहीं छूते हैं, तो खराब हो जाते हैं और छूनी भी नहीं चाहिए। और अगली चीज क्या आपको नहीं छूनी है मासिक धर्म में, पीरियड में कभी भी आप नए नए वस्त्र
अलमीरा वगैरह जहाँ पे बहुत सारे कपड़े नए आप रखी हैं, अलमीरा वगैरह भी नहीं छूते हैं, बचे तो पक्का बचे, ये एकदम मजबूरी हो जाए। जहाँ डेली वियर सब रखी हैं, डेली यूज वाले वस्त्र वगैरह वो पहने, लेकिन जो अपना नए साड़ी कपड़ा गहना वो सब रखी हैं ना छुए तो ज़्यादा बेहतर है, अगर बचे तो पक्का बचाइए। नहीं बचता है, कुछ इमरजेंसी पड़ जाए, पहनना है देखना है तब आप कर सकती हैं, लेकिन नहीं छूनी चाहिए। ऐसी सब चीज़ों में नई नई चीज़ों को हाथ ना लगाएं। अगली चीज़ क्या है, सिंदूर। आप लोग कह रहे हैं कि सेपरेट रखें ना रखें क्या करें, तो देखिए मासिक धर्म के लिए अलग सिंदूर रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंदूर लगाते नहीं है। सबसे पहली बात है कि अलग रखने की क्या ज़रूरत है, आपको लगानी ही नहीं है जब तक तीसरे दिन बाल नहीं धो लेते हैं, दिन पड़ता है तभी धोएं। और मान लीजिए कि आपको अगर सिंदूर लगाती भी हैं इमरजेंसी, तो जो प्रतिदिन लगाती हैं उसमें से लगा लीजिए, भगवान का सिंदूर वगैरह टच ना करें जो कि आप लोग को मालूम होगा, तो उसी में से लगा लीजिए। वो सिंदूर कभी जो है पवित्र ही रहता है, अपवित्र नहीं होता है। आप मासिक धर्म ऐसा नहीं कि टच कर दी तो अपवित्र हो गया, आप उसको नहीं छू सकती हैं, ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि जब कभी भी भोजन बनाए तो उनको नहा धो के आप दीजिएगा, तो पति की आयु पर कोई उसका दोष नहीं लगता और आपके ऊपर भी नहीं लगेगा। बड़े बुजुर्गों को कोशिश करें कि ना दें, बड़े बुजुर्गों को भी भोजन नहीं देनी चाहिए, उनको दोष नहीं लगेगा, आपको लग सकता है, तो अगर कोई करने वाला है तो उन्हीं को करने दीजिए, बहुत अच्छा होता है। ऐसे में अगर महिलाएँ आराम करें तब, लेकिन आजकल के ज़माने में आराम बिल्कुल नहीं मिलता, ऐसे में भी हमें दौड़ भाग करनी पड़ती है। तो एक बार आप स्नान कर लेती हैं ना, और ज़रूरी नहीं कि डेली बाल होकर ही करनी है, लेकिन स्नान करके भी किचन में जाइएगा तो जो ही दो से थोड़ा बहुत तो कम जरूर होगा। अगली चीज क्या है कि गाय के लिए रोटी, और आप लोग बोलते हैं दीदी जो किचन में हम रोटी और पानी में ढकने के लिए बताई थी कि अपने पितरों के लिए पूर्वजों के लिए देवी देवताओं के लिए ढकते हैं, तो वो ढके कि नहीं, तो हर कार्य आप कर सकती हैं। किचन को उपवास छोड़नी नहीं है, चूल्हे को उपवास छोड़नी नहीं है, ऐसा नहीं है कि चूल्हा उपवास छोड़ के हम सो गया नहीं करने लायक है तो नहीं, वो सारे कार्य कीजिएगा। गाय को रोटी भी दे सकती हैं, इसमें कोई नियम आपके ऊपर कोई दोष लागू नहीं होता है कि आपको नुकसान करेगा, सारे कार्य कीजिएगा, केवल देवी देवताओं को ना छुएं। और हस्बैंड को भोजन ऐसे तो प्रतिदिन हमें स्नान करके देनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है, अभी ठंडी का दिन है, मैं सबकी मजबूरी समझ रही हूँ, छोटे बच्चे वालों को बहुत अधिक परेशानी होती है, बच्चे जग जाते हैं जब हमारे ऊपर जब काम का लोड रहता है ना, और सोचते हैं बच्चा सोया है जल्दी जल्दी से कर ले, बच्चा जग के बैठ जाता है, एकदम ये सच्चाई है। जिनके छोटे बच्चे होंगे उनको पक्का ये सब बातें मालूम होगी, तो इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। और आधुनिक उतना ही बनना है लिमिट के अंदर, इतना ना बन जाए कि हम हर चीज़ को जैसे मायने ही नहीं दे रहे हैं, वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ज़्यादा शौक श्रृंगार हमें नहीं करनी चाहिए, महावर वगैरह ना लगाएं, कभी कोई इमरजेंसी पड़ जाए, शादी विवाह है तभी लगाएं, कई बार बता चुकी हूँ, ठीक है। सारी बातें क्लियर हो गई, समझ में अब आ गई होगी जितनी बातें समझाई हूँ। अब आज के बाद आप लोग, मैं आशा करती हूँ कि बिल्कुल ये क्वेश्चन नहीं पूछिएगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।